Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you guys doing well. I am Mank and you are watching my new vlog. तो आज है मेरे पास बाइक रिव्यू के लिए रॉयल एनफील्ड हंटर, जो कि इसका चाबी कुछ इस तरीके से है। इसके चाबी से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। और ये नॉर्मली हर एक रॉयल एनफील्ड के अभी बाइक में मिल रहा है हमको। तो ये 350 और मेट्रियोर वगैरह सारा कुछ में यही चाबी मिलता है। और सबसे पहले तो इसके स्टार्ट करते हैं लुक से। तो अभी पहले सिनेमैटिक इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोगों को, कैसा दिख रहा है। Dragging me under the table, hell in her eyes, she wants to put me in a hole. Beautiful liar, holding me, I'm a neighbor, bleeding me dry, she wants to devour my soul. Fuck. Slowly, pray to God I'm holy, bury me still intact. Baby, don't make a noise, murdering brings you joy. I've been waiting for you, ready to destroy you, sipping on a cold LaCroix. You got your desires. तो इस तरीके का कुछ इसका लुक आता है, जो कि एक बहुत अपीलिंग लुक है और अट्रैक्टिव भी दिखता है, थोड़ा सा अलग दिखता है। और अभी स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में यहाँ पे हेडलाइट में हैलोजन, दोनों हैलोजन दिया गया है और दोनों टर्न इंडिकेटर में भी हैलोजन है यहाँ पे। और फिर नीचे आते हैं तो ये सॉकर कवर दिया गया है यहाँ पे और ये प्लास्टिक पार्ट है और बाद बाकी। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सॉकर दिया गया है यहाँ पे, अपसाइड डाउन फोक्स नहीं है इसमें। और फिर अभी इधर आते हैं तो इसका टायर सेक्शन जो है वो है 110/70/17 inches, जो कि इसके सेगमेंट में सबसे ज़्यादा छोटा है। मेट्रियोर से भी ये छोटा है। मेट्रियोर में फ्रंट वाला 19 रहता है और बैक वाला 17 रहता है। और इसका डिक्स का साइज़ है 300 mm और डिक्स प्लेट काफ़ी चंकी है और देखने में भी अच्छा लगता है, जो कि ओवरऑल बाइक को एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये सॉकर कवर जो है ये भी एक अच्छा है, क्योंकि इस पे स्टील पार्ट जो भी रहता है वो कवर्ड हो चुका है, तो एक पूरा ब्लैकेस्ट लुक प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे भी रॉयल इनफील्ड का आर बैजिंग है यहाँ पे। और अभी आते हैं बाद बाकी पीछे इसका टैंक, जो है कि ब्लू और वाइट पैटर्न में है, जो कि अच्छा दिख रहा है और बाइक को और अपीलिंग बनाता है दिखने में। और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का बैजिंग और हंटर 350, यहाँ पे ओनली रॉयल उस साइड इनफील्ड है जो कि अभी हम दिखा रहे हैं। इधर इनफील्ड लिखा और फिर यहाँ से रॉयल इनफील्ड। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज 13 liters। और फिर इस साइड से ही आते हैं, यहाँ से पीछे आते हैं तो रियर साइड में भी डुअल सॉकर दिया गया है और चेन कवर नहीं है, बट लेकिन चेन थोड़ा सा चंकी है इसमें दिख रहा है, ऐसा पता चल रहा है। और साइड स्टैंड भी है और मिड स्टैंड भी है। और बाद बाकी अब आते हैं इसके रेयर टायर पे। तो ये रेयर टायर सेक्शन है 140/70/17 inches, दोनों 17 इंचेस ही है। इसका अगर आप रेट्रो वेरिएंट लोगे तो इसमें स्पोक व्हील आता है, इसमें अलॉय आता है जो कि यू शेप्ड अलॉय व्हील है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। और फ्रंट वाला कुछ ज़्यादा ही अच्छे से दिखेगा यहाँ पे। और इसका जो डिक्स प्लेट है, डिक्स प्लेट का साइज़ है वो 270 mm है। और ब्रेक्स में आगे पीछे दोनों ABS आता है, डुअल चैनल ABS आता है इसमें। और बाद बाकी ये रहा एग्जॉस्ट का पार्ट। और पीछे जो है इसका टेल, वो इसमें LED दिया गया है। बाद बाकी ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है आई थिंक इसमें, हाँ ये LED दिया गया है, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है। बाद बाकी ये भी पोर्शन प्लास्टिक है और इधर नंबर प्लेट के लिए है और एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। और पीछे से देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना वाइड है टायर इसका। अगर आप इसमें एक चीज़ मिसिंग मेंशन करोगे तो वो है एग्जॉस्ट का साइज़, जो कि यहाँ ये आधे टायर तक भी, पीछे के आधे टायर तक भी नहीं आता है। और जो कि बाद बाकी रॉयल इनफील्ड में यही देखा जाता है कि ये टायर के भी बाहर चला जाता है, ऐसा बनाया जाता है इसके एग्जॉस्ट को, रॉयल इनफील्ड के एग्जॉस्ट को, बट लेकिन इसमें आधे टायर तक भी नहीं आता है पीछे वाले पे। और ये यहाँ पे ऑयल है रेयर डिस्क के लिए और ये फ्रंट डिस्क के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब आते हैं इसके इंजन साइज़ पर। तो इसका इंजन
है 349.43 सीसी का इंजन है, जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन है और जो कि प्रोड्यूस करता है 20 पीएस ऑफ पावर एट 6100 आरपीएम एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4000 आरपीएम। इंजन है एयर कूल्ड इंजन और इसमें थोड़ा सा ऑयल कूल्ड भी है इसमें प्रोवाइड किया, जैसे हमको पता है रॉयल इनफील्ड ने बताया था इस कारण से। और बस यही है स्पेसिफिकेशन में, बाकी वायर्स का भी अच्छा सा सेक्शन दिया गया है और इनफैक्ट ये एकदम परफेक्टली पोजीशन सब सारे वायर का दिया है, यहाँ पे भी, इधर भी और आगे भी। और बात बाकी ये फ्रंट वाला है, फ्रंट लुक कैसे ऐसा कुछ आ रहा है। और ये लेग गार्ड भी एक है यहाँ पे, ये एक्सटर्नल है और ये सारी गार्ड भी यहाँ पे लगाया गया है इसमें। और बात बाकी इसका गियर का बात करें तो गियर है 5-speed गियर बॉक्स है ये टोटल, फर्स्ट डाउन बाद बाकी सारा अप लगता है। और इसमें अभी गियर में एक चीज़ ये बेनिफिट है कि आपको न्यूट्रल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, जैसे आप NS में दिक्कत आता है आपको कि पता नहीं चलते रहता कि कब न्यूट्रल हुआ नहीं हुआ, बट लेकिन इस बाइक में आपको कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये। सबसे पहले यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे स्पीड दिखाएगा और ये माइल्स पर आवर में यहाँ पे दिखाएगा, ये दोनों दिख रहा है। और टाइम भी यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे फ्यूल कितना है बाइक में अभी ये दिखता है। और ये गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर यहाँ पे ट्रिप, तो ये यहाँ एक बटन दिया गया है उससे ट्रिप चेंज होता है। सो पहले यहाँ पे टोटल कितना चला हुआ है वो दिख रहा है अभी, फिर अभी ट्रिप ए, देन ट्रिप बी, देन टोटल, यही है। और एक ट्रिप एफ करके भी आता है, तो ट्रिप एफ तब स्टार्ट होता है जब ये इस बाइक का फ्यूल लेवल कम हो जाता है, मतलब रिजर्व टाइप आप बोल सकते हो कि जब आपका रिजर्व आ जाए तो फिर ट्रिप एफ करके भी खुद ब खुद आ जाता है, जो कि हम अभी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि पेट्रोल का बहुत ज़्यादा है इसमें, ये ख़त्म करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकलेगा मेरा। और अभी और चीज़ है, और अभी ये इंजन किल स्विच भी दिया गया है यहाँ पे, इंजन ऑन, इंजन किल एंड इंजन स्टार्ट बटन, ओके। और ये हैजार्ड लाइट के लिए भी यहाँ पे है एक बटन, और यहाँ पे पास, लो बीम और हाई बीम, और ये इंडिकेटर्स ऐसा कुछ, और हॉर्न का साउंड ऐसा कुछ आ रहा है इसमें, जो कि है एक थ्रस्ट है इस साउंड में पता चलता है। और इस बाइक में किक नहीं दिया गया है, इनफैक्ट अभी मेंशन कर लो आप लोग कि यहाँ पे किक नहीं दिया है। और बात बाकी अभी एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं कि कैसा आ रहा है इसका एग्जॉस्ट, ये विदाउट थ्रॉटल है अभी, नो थ्रॉटल एट ऑल। अब थ्रॉटल देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा थोड़ा फटाका भी खुद ब खुद फूट रहा है। तो अभी चलते हैं इसको राइड करते हैं और पता करते हैं कि कैसा है चलाने में बाइक, और जो भी और फील आता है वो हम आपको बताते हैं। तो लेट्स गो एंड राइड दिस रॉयल इनफील्ड हंटर 350। अब इसको इंजन स्टार्ट करते हैं, अब इसको टर्निंग रेडियस इसका तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, हैंडलिंग वाइज इसका टर्न आराम से आप इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ये चलाने में कैसा है और इसका हैंडलिंग कैसा है। तो हैंडलिंग वाइज आपको अगर थोड़ा सा मेरे हाइट के 5'6" या 5'7" हो आप, तो हल्का सा आपको लगेगा कि आगे की तरफ स्ट्रेचेस्ड है, मतलब कि हाथ ज़्यादा आगे लेके जाना पड़ रहा है आपको ये रीच करने के लिए इसके हैंडल को। बाद बाकी आप हल्का सा आगे टिल्ट हो जाओगे तो आपको नो इश्यूज़ एट ऑल और कंफर्टेबल एकदम राइड चलता है बाइक, और चलाने में भी बहुत अच्छा है अभी तक। इसको लॉन्ग टूर पे आप आराम से ले जा सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं वाला, हैंडलिंग वाइज भी बहुत अच्छा है। और एक इधर रहा रेयर व्यू मिरर है, इसका कैसा काम करता है ये परफेक्टली पीछे का आपको हर चीज़ दिखा देगा, बाइक आ रहा है, कार आ रहा है, ट्रक आ रहा है, सारा चीज़ कवर कर सकता है आराम से, जिस लेन में आप चल रहे हो उस लेन से बगल वाले लेन तक। और इस वाले को भी अगर आप एडजस्ट कर लो तो दोनों तरफ का अच्छा सा व्यू दे देता है इसका मिरर। बात बाकी ये विजिबल है कि नहीं, जितना भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है सामने वो विजिबल है कि नहीं, तो टोटली इजीली विजिबल है। यहाँ पे टाइम भी दिख सकता है अभी हमको, क्योंकि बहुत छोटा में भी लिखा हुआ है फिर भी टाइम दिख रहा है हमको आराम से। और बात बाकी थ्रॉटल रिस्पॉन्स आप चेक करो एक बार, सेकेंड गियर पर भी डाल दिए हैं 60, और ब्रेक्स को भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया जाए। हाँ, इसमें ब्रेकिंग भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट आपको आराम से दे देगा, कॉन्फिडेंटली ही आप ब्रेक मारोगे अगर इसमें आप
ब्रेक अगर अप्लाई करते हो, बाइट कुछ ज़्यादा ही एकदम तगड़ा अच्छा है, क्योंकि आप रेयर ब्रेक भी मारो तो पता चलता है कि हाँ एकदम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आता है ABS, आता है डुअल चैनल ABS है, तो परफेक्टली ब्रेकिंग तो अच्छा हो गई और इसमें अच्छा भी है इनफैक्ट। और अगर आप बात करो इसका हैंडलिंग वाइज, तो हैंडलिंग इसका बहुत ही अच्छा है, मनोवर करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ईजिली आप कॉन्फिडेंटली इधर से उधर आप इसको कट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं कट करूँगा, नो इशूज एट ऑल, 80 टच कर देता है आराम से। और हाँ, तो हैंडल में ये भी आपको फील होगा, ये थोड़ा सा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। और ये जो बाइक है वो मेट्रियोर और क्लासिक को एकदम आधा मेट्रियोर आधा क्लासिक, जो कि यहाँ पे आपको देख के पता चल ही रहा होगा कि मेट्रियोर से इंस्पायर्ड है और क्लासिक से 350cc का इसमें इंजन लगा हुआ है, जो कि मेट्रियोर में भी आता है 350cc का इंजन, तो वही थोड़ा मोड़ा बीच बीच का है दोनों का। और अभी अभी टेस्ट करते हैं इसको 0 to 60, ये कितने देर में जाएगा आगे। तो अभी पीछे कोई नहीं आ रहा ना, हैजार्ड लाइट ऑन कर देता हूँ पहले, तो यहाँ पे चलो इस टेम्पो वाले को जाने दो भाई, लेट्स गो ना, 1 2 3, फर्स्ट गियर 45 50, सेकंड गियर 60, ईजिली एकदम ईजिली रीच कर जाता है 60 तक ही, हम चेक करेंगे इसको, ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं अभी इस बाइक को। अभी ऑलमोस्ट ये बाइक 6098 किलोमीटर चल चुका है ये, और जो कि अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और एक चीज़ इसमें मेंशन करने वाली बात ये है कि इसका मिरर जो है, जब आप इसको रेव करोगे, जैसे अभी मैंने रेव किया, तो इसमें वाइब्रेशन फील होता है, इस मिरर पे वाइब्रेशन फील होता है। बात बाकी आपको बाइक चलाने वक्त में आपको फील नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको मज़ा ही आता रहता है इसका। और एग्जॉस्ट नोड जो है इसमें नो मॉडिफिकेशन नीडेड, इतना एग्जॉस्ट साउंड बहुत सही है, जो कि अभी ऐसा फील हो रहा होगा, पता चल रहा होगा। और इसको थोड़ा सा 100 ले ही चले जाते हैं, अब ये 100 टच हो गया, क्योंकि इतना पे नहीं, 60 पे ही हम चेक करते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसको अभी ब्रेकिंग टेस्ट करते, पीछे कोई नहीं आ रहा, ओह माय गॉड, मस्त, एक नंबर ब्रेकिंग है, अच्छा भागता है और ब्रेकिंग भी अच्छा है। जब ब्रेकिंग अच्छे बाइक के साथ साथ आपको ब्रेकिंग भी अच्छा चाहिए रहता है, जो कि इस बाइक में हमको मिल रहा है, तो ये एक अच्छा डील हो सकता है बहुत लोगों के लिए। और एक और बात की, 80 पे आप अगर इसको क्रूज़ करना चाहते हो तो बेस्ट है 80 to 90, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके इसको क्रूज़ करने के लिए, क्योंकि उससे अगर आप ऊपर जाओगे तो स्ट्रगल फील करता है इस बाइक में, तो जो कि आपको वो पता चलने लगेगा। अब इसकी थोड़ी सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, सस्पेंशन कैसा वर्क करता है। तो इसको इधर पे एक और बम्प आ रहा है, बम्प वाले एरिया में, तो सस्पेंशन भी इसका बहुत अच्छा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखा, हायर स्पीड पे अगर आप इसको जंप कराओगे कहीं पे तो फिर फील होगा कि हाँ जंप कर रहा है, बट लेकिन ओवरऑल अगर बोला जाए तो राइड क्वालिटी इसका सस्पेंशन के कारण ही अच्छा है। जो कि एक और आया बम्प इधर, और बात बाकी हैंडलिंग का देखो आप, इसका हैंडलिंग भी एक नंबर, और सस्पेंशन का बात कर ही रहे हैं तो ये एक और बम्प, तो ये भी निकल गया। इसका सस्पेंशन फील भी बहुत अच्छा है और चलाने में भी पता चलता है कि हाँ इसका सस्पेंशन एक अच्छा वर्क इसमें कर रहा है इसका, और पता चलता है कि एकदम आराम से ही निकल जाता है, कि कोई भी बम्प पे आपको उतना फील नहीं होगा कि कोई भी हैवी बम्प से आप निकल रहे हो, तो वहाँ पे भी एक अच्छा वर्क कर रहा है ये चीज़। अभी रात में भी अच्छा खासा विजिबिलिटी रहता है इस बाइक में, वो पता चलते रहता है कि आराम से आप विजिबल हो सकता है, इसका लाइट इनफ है आपको एक अच्छा विजिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए नाइट में, जो कि एक सही पैकेज बन के आता है। तो अभी अभी बाइक पूरा कंप्लीट करके आए हैं, और बाइक में बोला जाना तो इनिशियल पिकअप जो है वो अच्छा खासा अमाउंट में है, फिर मिड भी ज़्यादा है, बट लेकिन टॉप एंड एकदम लैगिंग है। टॉप एंड पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उतना अच्छा पावर प्रोड्यूस करके देगा, क्योंकि आप जब तक इनिशियल से मिड से आप टॉप एंड तक जाओगे तब तक इसका टॉप स्पीड रीच कर चुका रहता है। टॉप स्पीड इसका अराउंड 120 तक चला जाता है आराम से, और जो कि एक इंजन जो है, इंजन का वाइब्रेशन भी ओवरऑल बाइक को उतना फील नहीं होगा आपको, अगर जब राइड करोगे तो राइड
के समय में फील नहीं होगा, बट लेकिन वही है कि मिरर के साइड पे आपको पता चलते रहेगा कि हाँ इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन है जो कि मिरर पे दिखेगा, बट बात बाकी आप जब राइड करते रहोगे तो आपको तब फील नहीं होने वाला है कि इस बाइक में वाइब्रेशन भी है। और इसका जो है ये माइलेज क्लेम करती है कंपनी वो 39 किलोमीटर पर लीटर है, बट लेकिन ये आपको अराउंड 30-35 आराम से इजीली निकालेगा दे देगा इन सिटीज़, और 35 से अबव दे देगा आपको हाईवेज पे। इसका ये हो गया। और ब्रेकिंग भी बात किया जाए तो सुपर्ब है, और जो सस्पेंशन सेटअप है वो भी अच्छा खासा अमाउंट में बम्प को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि आपको फील नहीं होगा उतना, और रॉयल इनफील्ड का बाइक है तो वो पता चलेगा ही। और ओवरऑल एक और बात बोला जाए तो बहुत आदमी इसीलिए इस बाइक को परचेज करेंगे क्योंकि इसका तो सबसे पहला बात कि प्राइस कम है और रॉयल इनफील्ड के बाइक के कंपेरिजन में। तो यही था आज के रिव्यू में, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।